मेरा नाम नीरज गोयल है। मेरा 120 किलो वजन था। लास्ट 14 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरे को डॉक्टर ने कह दिया था कि इतना बड़ा बड़ा लकड़ी का पीस अपने घर में इकट्ठा करो, जल्दी जरूरत पड़ेगी। स्लीप एपनिया इतना भयंकर था मुझे कि मैं 2 मिनट भी गाड़ी में बैटरी पाता मैं सो जाता था। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना बंद हो गया था, चाहे ट्रेन हो चाहे रेल वो हो अपना प्लेन हो, क्योंकि मैं खर्राटे लेता था और सारी दुनिया जागती थी और मेरी तरफ देखती थी। मुझे मतलब बहुत ज्यादा बैड फील होता था। डॉक्टर साहब को क्या सहाया, डॉक्टर साहब ने कहा ये करा ले। उससे पहले मैं 10 जगह घूम के आया था कि रेस्पिरेटरी का कुछ हो जाए, नहीं हुआ। वो कहते जी या तो बाईपैप लगाओ, बाईपैप लगानी मेरे को नहीं वो सुटेबल थी। डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया। आज मेरा वजन 82 kg है। रेस्पिरेटरी की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को खर्राटे नहीं आते। मेरा बेटा तक ये कहना बोलना शुरू हो गया था, पापा आप दूसरे रूम में सो, आपके खर्राटों से मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। और मैं अपनी लाइफ की सेकंड इनिंग जी रहा हूँ। मेरी शुगर जो है 300-350 रहती थी, आज 80-82 रहती है। मैं शुगर की 6-6 गोलियां खाता था, मैं बीपी की 6 गोलियां खाता था, आज बीपी की मैं कोई गोली नहीं खाता। कभी वंस इन अ व्हाइल मतलब जरा टेंशन हो जाए तो, जब टेंशन थोड़ी सी हो जाए तो मैं एक गोली जरूर खा लेता हूँ, बिना सोचे समझे कि भाई अब थोड़ी सी टेंशन है तो वो बीपी ना बढ़े। अभी 2-3 महीने पहले मेरी शुगर कम हो गई थी, डॉक्टर साहब ने वो लिटरली ग्लाइफेस गोली वो मैं लिए जा रहा था। डॉक्टर साहब से कंसर्न ही नहीं किया कि बंद करनी है, कब बंद करनी है। डॉक्टर साहब के पास आया, मैंने कहा जी मेरी शुगर कम हो गई थी। कहते यार वो गोली कुछ नहीं है, उसे बंद कर दो, अब गोली की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी भी 3-4 दिन में एक बार शुगर टेस्ट कर लेता हूँ, 80-82